me do my two-step. सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों डेमो तो आप लोगों ने दोस्तों स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का सफ़र शुरू किया जा रहा है आप लोगों के लिए। बहुत दिन हो गए थे मुंबई में, तो चलिए आज मुंबई के बाहर कुछ घूम कर आते हैं और बहुत ही देवस्थान पर आपको लिए चल रहे हैं। दोस्तों आज हम आपको मुंबई से दोस्तों वाय कसारा घाट होते हुए नासिक होते हुए हम लोग शिरडी आपको लेकर जा रहे हैं। आनंद आ जाएगा इस सफ़र में। कसारा घाट बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत है मुंबई में। तो दोस्तों देर किस बात की, तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत की जाए और मज़ा आ जाएगा। आपको भी ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ में शिरडी के दर्शन करके आए हैं। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हुए हम लोग ये पहुंच चुके हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। हमेशा की तरह दोस्तों आज हम थोड़ा सा स्पीडली लेकर चलेंगे, जहाँ जहाँ पर थोड़ा अच्छी जगह है जहाँ पर आएगी वहाँ पर रोका करेंगे, नहीं तो हम स्पीडली आपको लेकर जाने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की शुरुआत हम लोग ये गोरेगांव से कर रहे हैं। गोरेगांव ब्रिज के ऊपर से हम लोगों ने थोड़ी गति को बढ़ा दिया है ताकि आप लोग भी बोर ना हो, क्योंकि मुंबई तो पूरा बहुत सारे आप वीडियोज़ में देख चुके हैं, इसलिए मुंबई से जल्द निकल रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बताते हुए ज़रूर चलेंगे कि किस रास्ते से होकर हमें शिरडी तक पहुंचना है। और अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं या अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं तो शॉर्टेस्ट रूट, किस रूट से आप शिरडी तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको दर्शन भी होंगे और आप बड़े ही अच्छे और सहज मार्ग से आप शिरडी तक का सफ़र तय कर सकते हैं। ये हम लोग जोगेश्वरी से जयकोच के पास में ये आ चुके हैं और यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है। अगर हम इसी रोड से सीधे चले जाते हैं तो सीधा बैंड्रा तक चले जाते हैं, लेकिन ये जयकोच का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से आकर हम लोगों ने ये लेफ़्ट लिया। इसे पवई रोड कहा जाता है दोस्तों, और यहाँ से इसी पर आएगा कमाल अमरोही स्टूडियो, कमालिस्तान स्टूडियो बीच में पड़ेगा। आज हम अंदर नहीं लेकर जाएंगे उसके, और ये पूरा जोगेश्वरी को आप लोग ये देख सकते हैं, जोगेश्वरी ईस्ट का बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर भी। और यहाँ पर भी रहेजा बिल्डर ने बहुत ही बड़े बड़े गगनचुंबती इमारतों का निर्माण किया है, वो आगे आने वाली हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए जहाँ पर ट्रैफिक है थोड़ा सा हम अपनी गति को बढ़ा लेते हैं ताकि हम भी बोर ना हों और आप लोग भी बोर ना हों। तो ये देख सकते हैं यहाँ मेट्रो का ये काम चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, और ये पूरा बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। इसी रोड से आप पूरा नासिक जा सकते हैं, और किस किस रास्ते से होकर जाना है ये हम आपको बीच बीच में पूरा बताते हुए चलेंगे दोस्तों। और जैसा कि हमने बताया था कि आपको ये देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में ये रहेजा बिल्डर्स की यहाँ पर ये बिल्डिंग बन रही है, और बहुत सारी बिल्डिंग बन भी चुकी है। और ये जो है अभी पोजीशन देने के लिए तैयार होने वाली हैं, ये आगे की बिल्डिंग जो है बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं आगे। ये रोड जो आप देख रहे हैं पूरा पवई रोड है दोस्तों, पवई क्या नासिक रोड के नाम से भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ से अब हम आपको आगे लिए चलते हैं थोड़ा सा गति को बढ़ाते हुए।
अब यहाँ से आपको कमाल अमरोही स्टूडियो के पास में रोका जाएगा, वहाँ फ्यूलिंग भी कराना है भाई, गाड़ी को भूख अगर लगती है तो बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग पहुँच चुके हैं कमालिस्तान स्टूडियो, कमाल अमरोही स्टूडियो। ये लेफ्ट साइड में जो बाउंड्री देख रहे हैं पत्रे की, ये पूरा कमाल अमरोही स्टूडियो की बाउंड्री है। यहाँ पर बहुत ना जाने कितनी अनगिनत फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हुआ करती है। यहीं पर आने पहले जब आपने धर्मवीर फिल्म देखी होगी तो ये राइट साइड में दोस्तों यहीं पे बहुत बड़ा विशाल यहाँ पर वो सेट लगा था धर्मवीर का पूरा। और ये कमाल अमरोही का मेन गेट, आज हम आपको इसके अंदर नहीं लेकर जाने वाले हैं क्योंकि इसके वीडियो हमने ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया चैनल में आप चेकआउट करेंगे तो उसमें आप अंदर का पूरा कमालिस्तान कमाल अमरोही स्टूडियो पूरा घूम सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा फ्यूलिंग करा लेते हैं। फ्यूलिंग कराने के पश्चात आपको आगे लिए चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने टैंक फुल करा लिया गाड़ी का और इसके पश्चात यहाँ से हम लोग ये आ चुके हैं आगे ये पवई लेक के इधर। तो ये पूरा पवई लेक को आप ये देख सकते हैं। इसी रास्ते से हमें नासिक वाला हाईवे पर जाना है दोस्तों। कोई भी इंसान शिरडी वगैरह जाता है मुंबई से तो ये सबसे सुलभ रास्ता है और दोपहर के समय अगर आप निकलते हैं तो ट्रैफिक से भी बचते हैं। और ये पूरा पवई लेक को आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को आप लोग ये देख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में पूरा पवई लेक है दोस्तों, यहीं से वाटर सप्लाई किया जाता है मुंबई में और कुछ कुछ जगहों पर किया जाता है। और हालांकि अलग अलग डैम हैं जहाँ पर पानी का सप्लाई किया जाता है, बड़े बड़े डैम हैं। आने वाले समय में हम उन डैम के भी आप लोगों को दिखाएंगे वो डैम कहाँ कहाँ पर है। और इसी रोड से न्यू मुंबई वाशी के लिए भी जाया जाता है। आने वाले वीडियोस में हम आपको न्यू मुंबई जो कि वाशी के नाम से जाना जाता है और पूरा वहाँ का भी भ्रमण आपको कराएंगे दोस्तों। और ये पूरा IIT रोड है, यहीं पर IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, IIT मुंबई बहुत ही फेमस है दोस्तों। और ये पवई में ही स्थित है, इसे पवई लेक के नाम से जाना जाता है। और अब हम आपको ये पवई IIT की लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ये पूरी बाउंड्रीज उसी की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई IIT पवई दोस्तों। ये इसका मेन गेट है दोस्तों पवई IIT का। अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो यहीं पर आकर मुंबई IIT बहुत ही फेमस है, गेट नंबर 1। तो चलिए अब हम अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ते हुए ये पवई IIT से, और ये आप ये एरोस देख सकते हैं दोस्तों। और ये हम लोगों ने लेफ़्ट लेकर थोड़ा सा गलती कर ली, नहीं तो हमें ब्रिज के ऊपर से ही जाना था। खैर कोई बात नहीं, ये सामने होटल जो देख रहे हैं इस पे ऊपर हेलीपैड बना हुआ है और यहाँ उतर कर बहुत ही शानदार होटल है ये आप देख सकते हैं। यहाँ से इंदौर 537 किलोमीटर, नासिक 132 किलोमीटर। और दोस्तों ये पूरा नासिक रोड है, इस हाईवे के माध्यम से दोस्तों आप इंदौर जा सकते हैं, आगरा जा सकते हैं, मतलब इस रूट से भी आप दिल्ली तक का सफ़र तय कर सकते हैं वाय इंदौर आगरा होते हुए आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। और ये यहाँ की खूबसूरत वादियों को हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों ये आप यहाँ की खूबसूरत वादियाँ आप देख सकते हैं, कितना मनोहर दृश्य लगता है यहाँ पर। मुंबई में बारिश होने के कारण ग्रीनरी हो चुकी है क्योंकि जब तूफान आया था तो बहुत ही ज़्यादा बरसात हो गई थी, एक दिन में ही इतनी बारिश हो गई थी दोस्तों। और ये आप नासिक हाईवे,
इस हाईवे के माध्यम से, जैसा कि हमने बताया, अगर आपको उज्जैन जाना है, नासिक जाना है, इंदौर जाना है, और मतलब अगर आपको यूपी साइड जाना है तो वाय झांसी या भोपाल भी जाना है, तो इसी हाईवे को पकड़कर आप जा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ से अब ये कसारा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग आगे निकले और ये पूरा कसारा यहाँ पर शुरू हो जाता है। एक जो रास्ता है ये जाने के लिए बनाया है, उधर एक और रास्ता है वो आने के लिए बना रखा है। हालांकि कहीं कहीं पर उस रास्ते का थोड़ा अभी काम चल रहा है, तो यहीं से आना और जाना एक साइड से, वन साइड से ही अभी चल रहा है, नहीं तो टू साइड रहता है यहाँ पर। तो ये कसारा घाट को आप ये देख सकते हैं। हालांकि कोई ही गाड़ी जो है या बीच में से कुछ ख़राब हो गई होगी, इसलिए वो गाड़ी को आपने आते हुए देखा। वैसे तो आने की साइड एक साइड अलग है और जाने का रास्ता अलग है। ये जाने के रास्ते से हम लोग ये पूरा कसारा घाट का मनोहर दृश्य आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। बहुत ही फेमस है दोस्तों कसारा घाट। जब बारिश होती रहती है तो यहाँ पर पूरा फॉग आ जाता है, पूरी धुंध हो जाती है और बिल्कुल आपको 10 की स्पीड में यहाँ पर चलानी पड़ती है गाड़ी को, अपने व्हीकल को। और बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा धुंध और कोहरा हो जाता है। और ये आप देख सकते हैं पूरा कसारा घाट, बहुत ही शानदार जगह है दोस्तों ये। और यहाँ से हम आपको वाय नासिक से हम लोग बाईपास लेंगे, जैसे गूगल माता हमें बता रही है। नहीं तो नासिक में अगर आप किसी भी सिटी में अंदर चले जाते हैं तो आपके एक दो घंटे वापस से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वापस से ट्रैफिक में घुसना, सिटी के अंदर घुसना। और इसीलिए बेहतर होता है कि बाईपास से आप जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल पर आप जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो ये आप लोगों के लिए कसारा घाट का मनोहर दृश्य। ये कसारा घाट यहाँ पर ये समाप्त हुआ और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे कर यहाँ की खूबसूरती देखी, थोड़ा पैरों को रिलैक्स, और अब आगे का सफ़र हम लोग आपके लिए लेकर चल रहे हैं। और रात्रि हो चुकी है, क्योंकि हमें कसारा और नासिक पहुँचते पहुँचते ही अंधेरा हो गया था। और ये रात में लाइटें कितनी ज़बरदस्त रहती है गाड़ी की। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं शिरडी मंदिर। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों लिख भेजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।